संबोधित करें आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी साहब। धन्यवाद। रंधावा जी, जितेंद्र सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी, रामकिशन शर्मा जी, अभिजीत जाधव जी, विमला रजौरा जी, दिनेश सोपा जी, हमारे कैंडिडेट्स विश्वेंद्र सिंह जी, जोगिंदर सिंह अवाना जी, संजना जाटव जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। दिल से मैं आपका नमस्कार करता हूँ। अपने भाषण में रंधावा जी ने भारत माता की बात की और आपने देखा होगा हर पार्टी के राजनेता अपनी मीटिंग में, जलूसों में भारत माता की जय बोलते हैं। जैसे अगर मैं यहां भारत माता की, ऑटोमेटिक भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, तो हिंदुस्तान में कहीं भी आप भारत माता की बोलो, एकदम जवाब आता है जय। राजनीतिक लड़ाई है, हम सब भारत माता के लिए काम करते हैं। तो सवाल, पहला सवाल उठता है, ये भारत माता है क्या? जो नारे लग रहे हैं, ये जमीन तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सिर्फ जमीन होती और इंसान नहीं होते तो कोई भारत माता कह ही नहीं सकता। तो भारत माता इस देश की जनता है, आप सब लोग हो, आपके माता पिता, उनके माता पिता, आपकी ऊर्जा, आपके सपने, आपकी आवाज, ये है भारत माता। तो कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि सब जगह हम भारत माता की जय करते हैं, मैं पता लगाना चाहता हूं इस भारत माता में जात की, हर वर्ग की कितनी आबादी है, पिछड़े वर्ग की कितनी है, दलितों की कितनी है, आदिवासियों की कितनी है, और दूसरा जो धन भारत माता पैदा करते हैं, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। पूरी दुनिया में जिस चीज को हम भारत माता कहते हैं, बाकी दुनिया इसको सोने की चिड़िया कहती है। तो सोने की चिड़िया का धन किसके हाथों में है, ये दो सवाल मैंने पार्लियामेंट में पूछे। वहां कहा कि देखिए, हमें जाति जनगणना करना चाहिए, मैं आपसे पूछूं कि देश में या राजस्थान में पिछड़ी जात के कितने लोग हैं, यहां पे कोई जवाब नहीं दे पाएगा। बताइए हिंदुस्तान में पिछड़ी जात के कितने लोग हैं, कोई नहीं बता सकता। सब लोग जानते हैं
की बहुत बड़ी आबादी है, मगर ये कोई नहीं कह सकता कि भाई 40% है, 50% है, 60% है, 70%, ये कोई नहीं बता सकता। अब आप पूछोगे तो क्या हुआ, अगर पिछड़ों की आबादी नहीं मालूम तो क्या? मैं आपको बताता हूं, देश को एमपी और एमएलए नहीं चलाते हैं। आप किसी भी बच्चे से पूछो क्या बनना चाहते हो, इस मीटिंग के बाद आप जाओ 10 साल का बच्चा, उससे पूछो भैया क्या बनना चाहते हो, आपको बोलेगा मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि देश को आईएएस अफसर चलाते हैं। एमएलए एमपी 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, आईएएस के अफसर एक बार बैठ जाते हैं तो 30-35 साल वो काम करते हैं। तो देश को 90 लोग चलाते हैं, नेशनल सरकार जो है उसको 90 लोग चलाते हैं, एक कैबिनेट सेक्रेटरी और 90 लोग प्रधानमंत्री के साथ मिलकर देश को चलाते हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर हम पिछड़ों की भागीदारी की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की भागीदारी की बात कर रहे हैं, दलितों की भागीदारी की बात कर रहे हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोगों की भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है इस 90 में से पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने? ये सवाल मैंने नरेंद्र मोदी के सामने पूछा पार्लियामेंट हाउस में, और मैंने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी जी जहां भी आप जाते हो आप अपने आप को ओबीसी कहते हो, ओबीसी शब्द से आपने चुनाव जीत लिया, 12,000 करोड़ का हवाई जहाज है उसमें आप घूमते हो, विदेश जाते हो, हर रोज नया कपड़ा पहनते हो, 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हो, ओबीसी शब्द का आपने फायदा तो उठाया, मगर हिंदुस्तान के ओबीसी को यह भी बता दो उनकी शक्ति कितनी है, आबादी कितनी है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप हो गए, एक शब्द नहीं बोले, 2 घंटे का भाषण किया उसके बाद, मगर जाति जनगणना में नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। उसके बाद उनके भाषण बदल जाते हैं, भाषण में कहते हैं भाइयों और बहनों हिंदुस्तान में एक ही जात है वो है गरीब। अच्छा, अगर हिंदुस्तान में एक ही जात है गरीब तो आप ओबीसी कैसे, आपके लिए स्पेशल जात, आप हो ओबीसी और देश के बाकी पिछड़े वो गरीब, दलित गरीब, आदिवासी गरीब। तो मेरा एक और सवाल, अगर देश में एक ही जात है गरीब तो अमीर कौन है, अमीर की कोई जात नहीं है। तो मैंने ये सवाल पूछा, जवाब नहीं आया, तो फिर मैंने पता लगाया, मैंने कहा कि चलो देखते हैं दिल्ली की सरकार में इन 90 लोगों से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। और जब मैंने आंकड़ा देखा मैं हिल गया, 90 में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं, सिर्फ 3। मैं आपको स्टेट से बता रहा हूं आपकी आबादी कम से कम 50% है देश में, और वो जो 90 में से 3 अफसर हैं वो एक कोने में बैठे रहते, उनको कोई काम नहीं दिया, ये नहीं कि बड़ी बड़ी मंत्रिमंडल रखे हैं ना, कोने में छोटा सा काम दे रखा है। अगर हिंदुस्तान कार 100 रुपए खर्च करते हैं तो वो ओबीसी अफसर जो हैं 3,
उनकी भागीदारी 5 रुपए पे, आबादी 50%, भागीदारी 5%। नरेंद्र मोदी 24 घंटा कहते हैं ओबीसी की सरकार चल रही है, सरकार चलाने में आपका कोई भी नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है आपका। सरकार को छोड़िए, योजना की बात करते हैं। फसल बीमा योजना में 35,000 करोड़ रुपए सरकार दी है। पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है, जीएसटी से आता है। आपने ये सफेद शर्ट पहनी है, जितना पैसा आपने जीएसटी में दी उतना ही पैसा अदानी इस शर्ट के लिए देगा। गरीब से व्यक्ति पेट्रोल खरीदता है, 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है, जितना पैसा जीएसटी में वो देता है उतना पैसा अदानी देता है। तो पैसा किसका? पैसा पिछड़ों का, 50% आपकी आबादी। पैसा गरीब जनरल कास्ट के लोगों का, पैसा दलितों का, आदिवासियों का। तो आपके जेब से पैसा निकला 35,000 करोड़ रुपया 16 कंपनियों को नरेंद्र मोदी ने दिया। मैंने आंकड़ा निकाला, 16 कंपनी में आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। तो आपके जेब से पैसा निकला 35,000 करोड़ रुपए, सीधा 16 उद्योगपतियों को दिया। अब आप कह सकते हो ठीक है, बीमा की कंपनी है, क्या गलती की? मैं बताता हूं, जब तूफान आता है, ओला गिरता है, उन 100 कंपनियों से किसान अपना पैसा मांगता है, फोन लगाता है, ईमेल भेजता है, कोई जवाब नहीं मिलता उसको, कहीं आपके खेत में तो नुकसान हुआ ही नहीं। तो हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से पैसा नहीं, जीएसटी लगा के 16 उद्योगपतियों को दिया, और 35 करोड़ रुपए जो किसानों को देना था वो उन्होंने ले लिया, और किसान देखता रह गया। चलिए अगली की बात करते हैं, क्या होता था? हिंदुस्तान के युवा 4 बजे सुबह उठते थे, वर्जिश करते थे, सपना था देश की रक्षा करेंगे, चाइना हमारी जमीन लेगा, पाकिस्तान हमारी जमीन लेगा, हम देश की रक्षा करेंगे, सपना था। पहले क्या होता था, कोई भी जवान, कोई भी अफसर अगर हिंदुस्तान के बॉर्डर पर खड़ा होता था, हिंदुस्तान की सरकार उसको गारंटी देती थी, अगर आप किसी ने छुआ, अगर आपको चोट लगी, अगर आप शहीद हुए, जिम्मेदारी हमारी है, आपके परिवार की देखभाल, आपके माता पिता की देखभाल, आपके बच्चों के भाई, पूरा का पूरा काम भारत की सरकार करेगी, हम आपकी रक्षा करेंगे। भारत माता की रक्षा कर रहे हो, भारत की सरकार की रक्षा करेगी, ये पैक थी। क्या हुआ? अच्छा, उसमें से 50% पिछड़े, 12% आदिवासी, 14% दलित, 15% दलित, और गरीब जनरल कास्ट के लोग।
अब क्या हुआ, अब नरेंद्र मोदी कहते हैं योजना लाएंगे, अग्निवीर योजना, बॉर्डर पे आपको गोली लग लगे हमें नहीं मालूम, आप मरे आप शहीद हुए आप जानो आपका कौन जाने, हम आपको पैसे नहीं देने वाले, हम आप रख नहीं करने वाले। तो जो पैसा पहले सरकार पेंशन में देती थी, जवानों की रक्षा में देती थी, वो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को देना शुरू कर दिया। अदानी जो हथियार खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, इजराइल से, अमेरिका से, रूस से, जो भी हथियार खरीदवाने हैं अदानी जी खरीदते हैं। मगर हमारे जो जवान हैं, जो युवा हैं, उन पूरा का पूरा सपना खत्म कर दिया। इनकी सारी की सारी योजनाएं ऐसे हैं, ऐसी हैं। हमारी योजनाएं देखो, मनरेगा, भोजन का अधिकार, एक रुपया दानी को नहीं जाता, जमीन अधिकरण बिल उनकी देखो, जीएसटी, नोटबंदी, किसान बिल, 14,00,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। भाषण में कहते हैं किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, मगर 14,00,000 करोड़ रुपए 10-15 लोगों को माफ किया है। उनकी कंपनी में एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरास का नहीं मिलेगा। यहां पे भीड़ है, आप लोगों ने इलाज करवाया होगा, बीमारी तो लगी होगी, किसी को डायबिटीज होगा, किसी को चोट लगी होगी, हाथ पैर टूटा होगा। इस भीड़ में राजस्थान में किसी ने इलाज के लिए एक रुपया नहीं दिया, पूरा फ्री में हुआ है, पूरा पूरा मुफ्त में किया है हमने, अदानी को एक रुपया नहीं दिया। तो ये फर्क है उनमें और हम में। देखिए, जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता है, तीन लोग होते हैं, तीन आते हैं। जेब कतरा अकेला आएगा, सामने से आएगा कैसे काटेगा, जेब सामने से आएगा कैसे काटेगा, तीन आते हैं, एक सामने से इससे आता है और एक दूर से देखता है, सामता है, आपका ध्यान इधर उधर करेगा, इधर उधर की बात करेगा, कहेगा देखो भाई नीचे कुछ गिर गया, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, जैसे आपका ध्यान इधर पीछे से नंबर दो आता है, वो ब्लेड लेके जेब काट देता है, उसे देखता है, तीसरा देखता है, दूर से देखता है, कहता है यहां पे मतलब जनता ना आए, लोगों को पता ना लग जाए, अगर कोई आता है तो धमका देता है, कहता है चलो हटो यहां से, या फिर वो बटवा ले जाता है, भाग जाता है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है, वो सामने से आते हैं टीवी में, सामने से वो आपका ध्यान इधर उधर करते हैं, आपको कहते हैं देखो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, फिर नोटबंदी, जीएसटी, मुझे फांसी लगा दो, ध्यान उधर उधर करते हैं, पीछे से अदानी आता है, आपका पैसा है, दूसरी साइड से अमित शाह देखता है, कहता है भाई यहां पे कोई मतलब किसी को पता ना लग जाए, दबा के लाठी मारूंगा। तो ये है, ये हिंदुस्तान की सरकार ऐसे चल रही है।
ये हो रहा है। अब सच बोलूं आपको तो शायद आपको भी नहीं पता लग रहा, आप पेट्रोल भर रहे हो मोटरसाइकिल में, आपको भी नहीं समझ आ रहा कि भैया हमने एक लीटर भरा, जैसे हमने ये बटन दबाया उधर अदानी की कंपनी में पैसा जा रहा है। बिजली ऑन की, आप सोच रहे हो सिर्फ बत्ती जली अदानी के जेब में पैसा गया। सिस्टम है पूरा। आपने नरेंद्र मोदी को आप 24 घंटा टीवी पे देखते हो, जब देखो नरेंद्र मोदी टीवी पे है, टीवी किसका है? आपका है क्या? जनता का है क्या? अगर आपका होता तो लगाओ इश्तेहार टीवी पे, आपका नहीं है, किसानों का थोड़ी है, मजदूरों का थोड़ी है, छोटे व्यापारियों का थोड़ी है, अदानी का है। तो अदानी जी को पैसा देते हैं, एयरपोर्ट देते हैं, पोर्ट देते हैं, सड़कें देते हैं, सीमेंट के प्लांट देते हैं, कानून बनाते हैं उनके लिए, नोटबंदी करते हैं, और अदानी जी नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा टीवी पर बैठाते हैं। हम भारत माता की जय करते हैं, हम फ्री में आपको इलाज कराते हैं, वो कहते भारत माता की जय है और करते हैं अदानी जी की जय। तो हमने 7 गारंटी आपके लिए चुनाव के बाद, 7 गारंटी है आपके लिए कांग्रेस पार्टी की। सबसे पहले हमारी जो माताएं हैं, हर परिवार में महिला को राजस्थान के 10,000 रुपए साल के बैंक अकाउंट में डालेगी। मोदी ने 1200 रुपए का सिलेंडर कर रखा है, चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी 500 रुपए का सिलेंडर कर देगी, 400। इलाज की मैंने बात की, आज 25 लाख रुपए तक का इलाज होता है, सरकार आने के बाद 50 लाख रुपए तक का इलाज हो जाएगा। अब आप बीजेपी के किसी भी नेता से पूछो, किसी भी नेता से आप पूछो कि अंग्रेजी के बारे में क्या सोचो, एकदम आपको कहेंगे देखिए अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। हमने पूरे राजस्थान में अंग्रेजी स्कूलों का जाल बिछा दिया, हम चाहते हैं कि राजस्थान का हर बच्चा अंग्रेजी बोले। अब हिंदी में कोई कमी नहीं है, राजस्थान में आपको किसी से बात करनी हो, व्यापार करना हो, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हिंदी बहुत अच्छी भाषा है। मगर अगर आपको कॉल सेंटर में काम करना हो, आईटी का काम हो, सुप्रीम कोर्ट में जज बनना हो, विदेशी टूरिस्ट से बात करनी हो, किसी विदेशी कंपनी में काम करना हो, तो अंग्रेजी चलेगी, हिंदी में काम होएगा नहीं। तो हम कहते हैं कि राजस्थान के हर बेटे को, हर बेटी को हिंदी सीखनी चाहिए और अंग्रेजी सीखनी चाहिए। वो नहीं चाहती आप सबसे अच्छी नौकरियां पाओ, उनसे आप पूछिए, आप हमें तो कहते हो कि अंग्रेजी सीखनी, मगर आपके बेटे कौन से स्कूल में पढ़े? अमित शाह से पूछिए, राजनाथ सिंह जी से पूछिए, गडकरी जी से पूछिए, इन सब के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और हर भाषण में ये आपको कहते हैं कि अंग्रेजी मत पढ़ो। ये फर्क है हम में और उनमें।
आपको चुनना है, आप स्वास्थ्य योजना चाहते हो, 500 रुपए का सिलेंडर चाहते हो, महिलाओं के लिए 10,000 रुपए चाहते हो, ओपीएस चाहते हो, पुराना पब्लिक पेंशन स्कीम, या फिर अदानी सरकार चाहते हो, अरबपतियों की सरकार चाहते हो, ये सारी की सारी योजनाएं हैं। बीजेपी की सरकार आएगी, सारी की सारी बंद हो जाएंगी। ये आपको जो फ्री में स्वास्थ्य की योजना मिल रही है, पुराना पेंशन स्कीम, 500 रुपए का सिलेंडर, ये सारा का सारा उठा के इसका पैसा अदानी जी के जेब चला जाएगा। चुनना आपने है। राजस्थान की सरकार ने पिछले 5 साल बहुत अच्छा काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। पूरी दुनिया में हमारा जो स्वास्थ्य का स्कीम है, पूरी दुनिया में ये मशहूर है। बाहर देश से एमपी आते हैं, मुझसे मिलते हैं, मुझे कहें कि राजस्थान ने स्वास्थ्य के लिए ऐतिहासिक काम किया है, छत्तीसगढ़ ने किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किया है। ये स्कीम आपका है, ये पैसे आपके हैं। हमारी सरकार आएगी, मैंने जाति जनगणना की बात की, पहला काम यहां पे जाति जनगणना का होगा। नेशनल लेवल पे हम आएंगे, जाति जनगणना हम पूरे देश में करेंगे और पिछड़ों की आबादी, जितनी आबादी है उतनी भागीदारी हम पिछड़ों को देंगे, दलितों को देंगे, आदिवासियों को देंगे, जनरल कास्ट के लोगों को देंगे। ये दो हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, हम मानने को तैयार नहीं कि दो हिंदुस्तान बने, एक अदानी वाला, उसमें हवाई जहाज में लोग उड़ें, 24 घंटा मौज करें, और दूसरी तरफ सच्चा हिंदुस्तान, भारत माता अपना खून पसीना दे, 24 घंटा अपना खून पसीना दे और उसको कोई फायदा ना मिले, ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए। इसको बदलने का एक बहुत बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम, क्रांतिकारी कदम जाति जनगणना है। मैं आपको बता रहा हूं, जाति जनगणना के बाद हिंदुस्तान बदल जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लग जाएगा उनकी शक्ति कितनी है। आपकी शक्ति के सामने अदानी नहीं खड़ा हो सकता, मगर आपकी शक्ति के बारे में आपको बताया नहीं जाता, और हम आपको आपकी शक्ति दिखाना चाहते हैं। आप सब आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप हर रोज नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। धन्यवाद जी।